नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। आज की खबर में हम बात करेंगे नगर परिषद रन्नौद के शासकीय अस्पताल की। आपको बता दें, रन्नौद के शासकीय अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई हैं। वहीं आज हम आपको बता देते हैं कि इस ठप पड़ी सेवा की और शासन और प्रशासन की नजर जा ही नहीं रही है और ना ही वो इस ठप व्यवस्थाओं की ओर देखना चाह रहे हैं। वहीं नगर परिषद रन्नौद के शासकीय अस्पताल में नगर परिषद अध्यक्ष रमना प्रसाद कुशवाहा, मुख्य नगर परिषद CMO राम भरोसी, पार्षद नारायण सिंह कुशवाहा, पार्षद श्याम सिंह कुशवाहा, विधायक प्रतिनिधि युवा सेल अफजल शाह, राहुल कुशवाहा, राम गोपाल कुशवाहा, छोटू कुशवाहा, राम सिंह कुशवाहा और भी नगर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। महिला एवं पुरुष डॉक्टर के न होने के कारण रन्नौद के शासकीय अस्पताल में व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है। ना तो कोई यहाँ सुनने वाला है और ना ही कोई देखने वाला है। इस अस्पताल से लगभग 70 गाँव लगे हुए हैं और रन्नौद क्षेत्र भी बड़ा है। यहाँ प्रतिदिन कई डिलीवरी होती हैं। महिला डॉक्टर के न होने के कारण जच्चा बच्चा की जान को निरंतर खतरा बना रहता है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, ना ही डॉक्टर है ना स्टाफ है। शासकीय हॉस्पिटल नगर परिषद रन्नौद की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप डली हुई है। ऐसे बक जाते हैं सब लोग। अच्छा, यहाँ पर अरे डॉक्टर वगैरह कोई नहीं रहता यहाँ पर, तो असुविधा है, सब पूरी कोई सुविधा नहीं। एक मशीन चोरी हो गई, वहीं नगर परिषद रन्नौद के अध्यक्ष और CMO और कई अधिकारियों द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अस्पताल को ठीक किया जाए और अस्पताल की व्यवस्थाएं जल्द से जल्द सही की जाए। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीबी न्यूज़ में।